तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, मतलब डेली लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं। इससे पहले जो मैं 7 तरह का फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ये सब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया, और इसका यूनिट जो मैंने आपको बताया जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडला, ये जो था ये यूनिट, ये सारे जो है एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैं आपको 4 सिस्टम बताया हूँ उसमें से ये एसआई सिस्टम के तौर पर लेंथ को मीटर के लिए माना, लेंथ के लिए यूनिट मीटर को माना गया, मास के लिए यूनिट किलोग्राम को माना गया, टाइम के लिए यूनिट सेकंड को माना गया, और ये सारा जो यूनिट आप देख रहे हो ना ये सारा एसआई सिस्टम के यूनिट्स हैं। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारे यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं। अब सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स में अगर मैं बात करूं, अगर स्मॉल डिस्टेंस जो है, स्मॉल डिस्टेंस यानी कि छोटी दूरी, ठीक है ना, छोटी यानी बहुत छोटी, ठीक है ना। अब जैसे कोई न्यूक्लियर एटम का न्यूक्लियस है उसका साइज मुझे पता करना है, ठीक है, तो अब तो बहुत छोटा है ना, वो तो बहुत छोटा है, तो इतनी छोटी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है ना। इतनी छोटी सी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला है आपका फर्मी। फर्मी को यूज किया जाता है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने या स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए। सवाल ये, फर्मी जो है वो कितने के बराबर होता है? अगर मैं कहता हूं कि फर्मी यानी 1 फर्मी जो है वो हमेशा 10^-15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 फर्मी इज ऑलवेज इक्वल टू 10^-15 मीटर, ठीक है ना, इतना छोटा ये होता है। उसी तरह अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम जो है वो कितने के बराबर होगा, तो अगर मैं कहूं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो कितने के बराबर होगा, तो वो होगा 10^-10 मीटर के बराबर, ठीक है ना, 10^-10 मीटर के बराबर। नैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल एनएम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। अगर हम माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मान लो कि कागज की थिकनेस, पेपर की थिकनेस मुझे मेजर करना है, तो यूजुअली हम माइक्रोन में मेजर करते हैं। सवाल ये है कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? माइक्रोन को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू एम हम लिखते हैं, तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो है माइक्रोन, उसके बाद नैनोमीटर, उसके बाद एंगस्ट्रॉम। छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा क्या है? माइक्रोन, उससे छोटा नैनोमीटर, उससे छोटा एंगस्ट्रॉम, उसके छोटा फर्मी। स्मॉल डिस्टेंसेस को तो हमने मेजर करने के लिए 4 तरह की यूनिट आपको बताया, जिसमें फर्मी, एंगस्ट्रॉम, उसके अलावा नैनोमीटर और माइक्रोन, ये 4 जो थे वो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होते हैं। अगर लंबी दूरी मुझे मेजर करना हो तो फिर लार्ज डिस्टेंस के लिए हम किस किस यूनिट का यूज करते हैं? अब लार्ज डिस्टेंस कहने का मतलब कि 1000 किलोमीटर एंड 10,000 किलोमीटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, दो प्लेनेट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए लास्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला यूनिट जो है उसे हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। तो लास्ट डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो सबसे पहला यूनिट हम यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर हिंदी में हम कहते हैं इसे प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है, आप लाइट जलाते हो, मान लो टॉर्च जलाया आपने, टॉर्च जलाया तो क्या होता है, लाइट ट्रेवल करती है, कितने की स्पीड से, 3×10^8 m/s की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि अगर मैं यहां से टॉर्च जलाऊं तो 1 साल में लाइट कितनी दूरी तक जाएगा ट्रेवल करके, ठीक है ना, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, ठीक है ना। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा दूरी ही प्रकाश वर्ष कही जाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, ठीक है ना। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कही जाती है। सवाल यह है कि 1 साल में लाइट कितनी दूरी तय करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 1 लाइट ईयर जो है कितने के बराबर होता है, 9.467×10^15 m के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 साल में लाइट जो है लगभग 9.5×10^15 m अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है इतनी दूरी वो कवर कर लेता है। 9.5×10^15 m दूरी जो है वो तय करता है। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है 1 साल में कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है लाइट की, 3×10^8 m/s, और टाइम मुझे कितना निकालना है, 365 दिन में। 365 दिन में कितने सेकंड होंगे, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना, क्योंकि टाइम हमेशा सेकंड में होता है। एसआई यूनिट क्या कहता है कि टाइम सेकंड में होगा।
तो आपको 365 दिन में कितने सेकंड होते हैं ये फाइंड करना होगा। तो 365 डेज इंटू 24 घंटे एक दिन में, ठीक है, उसके बाद 60 मिनट एंड 60 सेकंड, ये कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको लगभग 9.5 × 10^15 मीटर जो है इतनी डिस्टेंस आपको मिलेगी, ठीक है। प्रकाश जो है एक साल में इतनी दूरी चलती है, ठीक है ना, इतनी दूरी तय करती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सेकेंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लंबी दूरी के लिए दूसरा यूनिट है जिसका यूज किया जाता है, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं AU, कैपिटल AU से। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? तो 1.5 × 10^11 मीटर के बराबर होता है। सवाल यह है कि आप वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं आपको बता दूं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है उसे हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी जो है उसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होगा? पृथ्वी एंड सूरज के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 × 10^11 मीटर के बराबर। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है उसे समझते हैं। एक पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लार्ज डिस्टेंस करने के लिए, ठीक है ना, लंबी दूरी को मेजर करने के लिए पार्सेक जो है वो क्या है, सबसे लार्ज यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है। ओके, तो वन पार्सेक जो है कितने के बराबर होता है? वन पार्सेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। वन पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मीटर में, तो वो होती है आपकी 3.08 × 10^16 मीटर। 3.08 × 10^16 मीटर इतनी दूरी होती है, एक पार्सेक में 3.08 × 10^16 मीटर इतनी दूरी होती है एक पार्सेक में। तो पार्सेक क्या होता है यह हमें समझना है, और आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि डिफाइन पार्सेक, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पार्सेक क्या होता है? अगर मुझे पार्सेक डिफाइन करना है तो मैं पार्सेक को कैसे डिफाइन करूंगा? तो मैं एक सिंपल तरीका अपनाता हूं। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये है सेंटर। अब इस सर्कल का अगर रेडियस मैं ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा आपका रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस को मैं वन पार्सेक कह सकता हूं। यहां पर रेडियस को मैं वन पार्सेक कब कह सकता हूं? जब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क, जैसे यहां पर जो आर्क बन रहा है ना, आप यहां पर देख सकते हो आर्क बन रहा है, ठीक है ना, मैं पॉइंट कर देता हूं आर्क क्या है। रेडियस को वन पार्सेक आप तब कह सकते हो जब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का कोई आर्क सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल बनाए, ठीक है ना। अगर कोई आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और वो सेंटर पर 1 सेकेंड का अगर एंगल बनाता है तो वहां पर रेडियस हमेशा 1 पार्सेक के बराबर होगा। वहां पर रेडियस हमेशा क्या होगा? 1 पार्सेक के बराबर होगा। मैं 1 पार्सेक की वैल्यू फिर कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये आप देख रहे हो कि आर्क की जो लेंथ है और यहां जो रेडियस है और जो एंगल है जो कि 1 सेकेंड है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ये फॉर्मूला आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के बराबर होता है। आर्क की लेंथ को रेडियस हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको एंगल मिलता है। एंगल मुझे कितना मिलेगा? एंगल मुझे मिलेगा 1 सेकेंड, ठीक है ना, डबल डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेकेंड को, ठीक है ना। सेकेंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, और मिनट से बड़ा क्या होता है? डिग्री, ठीक है। तो 1 सेकेंड जो है एंगल बना रहा है। यहां पर लेंथ ऑफ आर्क कितना कहा गया है? तो 1 पार्सेक रेडियस तब होगा जब आप लेंथ ऑफ आर्क को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हो, यानी 1 AU अपॉन, तो रेडियस कितना होगा? 1 पार्सेक आपका रेडियस होगा। तो 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। और जब आप इस फॉर्मूले में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जगह पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू पुट करोगे जो कि होता है 1.5 × 10^11 मीटर, और 1 सेकेंड, सेकेंड यहां पर एंगल जो है सेकेंड में है, और कभी भी आपको पता है कि एंगल जो उसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, रेडियन में होता है। तो यहां पर हम सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको 1 पार्सेक की वैल्यू जो है वो 3.08 × 10^16 मीटर मिलता है।
अब सवाल ये है कि एंगल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि मैं कैसे एंगल को कन्वर्ट करूंगा। देखिए मैं एक सिंपल सा आपको बात बता दूं कि अगर मैं कहता हूं पाई रेडियन, पाई रेडियन जो है हमेशा 180 डिग्री को कहते हैं, 180 डिग्री एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। अब जैसे देखो कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो मैं यहां पर इसको 180 ना कहूं, अगर मैं इसे रेडियन में कहूं तो रेडियन में क्या कहूंगा मैं इसे पाई रेडियन कहूंगा, ये पाई रेडियन के बराबर है। क्लियर है ना, पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है ना, रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो या डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, यहां से आप कर सकते हो। अब इस पे जब हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे तब आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी के लिए बस इतना याद रखिए आप कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उससे 1 डिग्री जो है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, अब आपको पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है यानी 1 AU 1.5 × 10^11 मीटर के बराबर होता है, होता है। ठीक उसी तरह लाइट ईयर जो है वो आपका 9.046 × 10^15 मीटर के बराबर होता है, और पार्सेक जो है आपका वो पार्सेक जो है कितने के बराबर होता है, वो होता है आपका 3.08 × 10^16 मीटर के बराबर होता है। तीन अलग अलग यूनिट है, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन अगर फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करने का मतलब ये, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 पार्सेक जो है उसमें आपका 3.26 लाइट ईयर होता है। लेकिन कैसे कैसे आया, सवाल तो ये होता है ना कि कैसे 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर आ गया। तो रिलेशन हमें फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यह देख लो कि रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है। अब जैसे अगर मैं कह देता हूं कि पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड करना है, तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के बीच का आप रिलेशन बता दो, तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो। अगर आपसे कोई कह दे कि लाइट ईयर का और पार्सेक का बीच में रिलेशन बता दो, तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो। चलो निकाल के एक दिखाते हैं रेशियो, हमें कैसे मिलेगा रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी दो यूनिट के बीच का अगर रिलेशन अगर आपको फाइंड करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, उन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन बताना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रेशियो ले लूंगा। तो मैं करता हूं पार्सेक और लाइट ईयर का रेशियो फाइंड, ठीक है। तो पार्सेक हो गया ऊपर और आपका लाइट ईयर हो गया नीचे। अब ये काम करना है कि इनकी रेशियो फाइंड करने के लिए मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, तो 3.08 × 10^16, और लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10^15। इनको सॉल्व करके देख लेना, इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपको 3.26 मिलेगा। तो जब 3.26 आपको मिल गया, तो आप यहां पर क्या देखे कि 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.26, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया, पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन हमें मिल गया, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। अब ठीक उसी तरह अगर कोई पूछ दे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर के बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है, करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं इन दोनों का रिलेशन फाइंड करूंगा। तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, अब 1 लाइट ईयर की वैल्यू पुट कर दो, 1 लाइट ईयर में कितनी वैल्यू होती है, 9.46 × 10^15 मीटर। ऑन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, तो 1.5 × 10^11 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करो, जो वैल्यू आपको मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रिलेशन शो कर देना। तो बहुत ही क्वाइट इजी है, ठीक है ना। कभी भी रिलेशन मुझे किन्हीं दो यूनिट के बीच में फाइंड करना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको रेशियो निकालना है। ओके, रेशियो निकाल के आप क्या कर दोगे, रिलेशन बना लोगे। ओके, क्लियर है।